नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक और स्वागत है आपका वैदिक भारत में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यायाम कैसे करें। अक्सर ये लोग जिम में जाकर गलत व्यायाम बताते हैं और हम गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक हमारा शरीर कमजोरी का कारण बन जाता है। आपको लगता है हमारा शरीर ताकतवर हो रहा है, पर हमारा शरीर इतना ताकतवर नहीं हो पाता। वो सिर्फ हमें देखने से लगता है, क्योंकि शरीर अच्छा शेप में आ जाता है, लेकिन हमारी अंदर की ताकत ख़त्म हो जाती है। चाहे आप ये जमा के देख लेना। आज की हम वीडियो में बताएंगे कि व्यायाम कैसे करते हैं, जो पहले ऋषि मुनि करा करते थे और राजा महाराजा कराया करते थे। चलिए, ये भैया आपको करके बताएगा। सिर्फ दो व्यायाम ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए। सबसे पहले सांस भरे, ये सांस भी भरा इसने, और चलिए अब पोजिशन वही होती है, जैसे डिप्स करते हैं ऐसे ही होता है, बस करने का तरीका अलग होता है। सांस भर के रखना है, इस शेप में आगे राम राम से करते रहना है, नीचे जाना है राम राम से, बिल्कुल राम राम से जाओ नीचे, और फिर राम राम से ऊपर उठना है। फिर पूरा उठ के सांस छोड़ दो, फिर ऊपर उठकर सांस छोड़ देना है। अब ये एक बार जिसकी समझ में नहीं आया, ये दोबारा करके बताएगा। चलो भाई, एक बार दोबारा करके बताओ। सांस भरा और इस पोजीशन में आ गए, राम राम से नीचे जाना है, तेजी के साथ नहीं, राम राम से। जितने राम से जाओगे उतनी जल्दी आपका शरीर मजबूत बनेगा और अच्छा बनेगा। राम राम से ऊपर आना है। ये लड़का ब्रह्मचारी है और 2 साल से निरंतर ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है। आप और सीधा खड़े हो जाइए, फिर सांस छोड़ दो। अब तक जो हमने आपको बताया वो पुशअप्स थे। पुशअप्स जिसे लोग बोलते हैं और वैसे भाषा में होते हैं वो दंड, और जो सही तरीका है दंड करने का वो मैंने आपको बता चुका है। और अब हम बताएंगे दंड बैठक। दंड बैठक एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जो पहले हनुमान हुए, इतने महापुरुष लोग हुए, राम तक ले गए, श्री कृष्ण आदि जितने भी सब ब्रह्मचर्य अब बहुत महापुरुष हुए हैं, वो सब यही व्यायाम करा करते थे। लोग इन्हें भूल गए, करते तो हैं लेकिन तरीका करने का बहुत गलत है। चलिए अब आपको ये दंड बैठक बताएगा। दंड बैठक कैसे करने हैं? सबसे पहले सांस भरे, सांस भरने के बाद राम राम से नीचे जाएं। राम राम से जाना है इसमें, बहुत राम राम से, तेजी नहीं दिखानी। जाते रहे राम राम से, और फिर आराम राम से ऊपर उठना है। जो लड़के हस्मैथुन और जिनको सोपन दोष ज़्यादा होता था, उनकी भी बीमारी ठीक कर देगा, और अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। ये व्यायाम इतना अच्छा है कि अगर आप इसे निरंतर करते रहेंगे तो आपके हस्मैथुन भी छूट जाएगा, और ये आपको एक दिन में सुबह जल्दी उठ के सोच होने के बाद 5 बार करने हैं। 5 बार शुरू वाले और 5 बार ये दंड बैठक। अब जिसके समझ में नहीं आया ये दोबारा करके दिखाएगा। एक बार और करो। सबसे पहले सांस भरो, फिर आराम से नीचे जाना है। इससे आपके जो जांघें होती हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगी। करते रहिए, फिर राम राम से ऊपर आना है। जितनी आराम आराम से करोगे उतना ही आपको शरीर की प्राप्ति होगी, बल मिलेगा और शरीर भी आपका तंदुरुस्त होगा। और आपका कोई प्रश्न रह गया हो या कोई व्यायाम में कोई और समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।